नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 102 एंड 103 के बारे में। तो अगर आपको बाकी सारे सेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के नाम पे, वहाँ पर आपको सारी थियरीज मिल जाएगी। दूसरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको 200 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और तीसरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको पेपर टू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे ड्राफ्ट करना है एंड पेपर टू को कैसे इजीएस्ट पेपर बनाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए। मैंने भी वो क्रैक की है और मेरा पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन नंबर है 3339। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी आशा के साथ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए तहे दिल से आभार। लाइक करना मत भूलिएगा, सिर्फ बीच में क्लिक कीजिए एक बार तो लाइक का बटन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आता है, उसको दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सेक्शन नंबर 102, एक्विजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है पूरी पेटेंट को। ये सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 99 से कोरिलेशन में आ रहा है। सेक्शन नंबर 99, 100 एंड 101 में हमने देखा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई पर्सन उससे जो ऑथोराइज होता है वो गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकता है उस इन्वेंशन को। और जब वो यूज करता है ना तो उस केस में थोड़ी सी रॉयल्टी पेटेंटी को या फिर जो पेटेंटी के साथ लाइसेंसी है उनको भी मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पेटेंट अपने नाम पे कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस, अगर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो क्यों करेगी, पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन थी, पब्लिक को कोविड वैक्सीनेशन चाहिए थी। अगर किसी पर्सन ने, मैंने अगर कोविड वैक्सीनेशन की पेटेंट फाइल की होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी पेटेंट को यूज कर लेता पब्लिक पर्पस के लिए और नोटिस पब्लिश कर देता, मुझे भी पता चलता कि मेरी एप्लीकेशन यूज हो रही है ये नोटिस के हिसाब से। नोटिस टू एप्लीकेंट या फिर पेटेंटी और एनी थर्ड पर्सन लाइक लाइसेंसी। तो नोटिस किन किन को मिलेगी, एप्लीकेंट को मिलेगी अगर पेटेंट अभी तक ग्रांट नहीं हुई है तो उसको एप्लीकेंट कहा जाता है। पेटेंटी है, पेटेंट ग्रांट हो चुकी है तो पेटेंटी को भी मिलेगी। और उस पेटेंटी के साथ अगर कोई लाइसेंसर है, असाइनर है, कोई भी ऐसा पर्सन है कि जिसने साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको भी मिलेगी। कंपेंसेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी क्वेरी देन हाई कोर्ट। कंपेंसेशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो फिर हाई कोर्ट वहां से कंपेंसेशन जारी करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ मेकिंग, क्या क्या गिना जाएगा जब ये कंपेंसेशन दिया जा रहा है, तब एक्सपेंडिचर ऑफ मेकिंग बनाने में कितनी लागत लगी है, हाउ इट वर्क, पहले भी उसने जो फॉर्म नंबर 27 फाइल करके अपने वर्किंग ऑफ इन्वेंशन के बारे में बताया है पर ईयर वो कैसा है, प्रॉफिट मेड बाय पेटेंटी और लाइसेंसी, लाइसेंसी ने कितना प्रॉफिट कमाया, पेटेंटी ने कितना प्रॉफिट कमाया, वो सारी चीजों को देखा जाएगा जो भी डेटा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी के हिसाब से। सेक्शन नंबर 47 और सेक्शन नंबर 102 में सिमिलैरिटी लग रही है। जैसे हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा ही लगता है कि 47 सेक्शन में भी ऐसा ही लिखा था कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है फॉर सम सप्लीमेंट्री प्रोविजन, और यहाँ पर भी सेक्शन नंबर 102 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट यूज कर सकती है फॉर दी सर्टेन कंडीशन। बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्शन नंबर 47 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के यूज के लिए वो चीज यूज हो रही थी और वहां पर कोई भी रॉयल्टी पेटेंटी को नहीं मिलने वाली एज पर सेक्शन 47। बट यहां पर गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए यूज कर रही है तो यहां पर रॉयल्टी भी मिलेगी उस पर्सन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया तो। सेक्शन नंबर 103, डिस्प्यूट एंड हाई कोर्ट। अब देखिए यहां पर एक तरीके का फोर्स हो रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से उस पेटेंटी होल्डर पर, पेटेंट होल्डर पर, कि आपके पास जो भी इन्वेंशन है वो मैं ले लूंगा। तो यहां पर उससे पूछा नहीं जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। और ऑर्डर देने में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रखी कि ना मिले रुपये तो किसको, पेटेंटी को, तो उस केस में डिस्प्यूट अगर होता है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं।
एनी डिस्प्यूट इन पेमेंट एज पर द एग्रीमेंट वन कैन अप्रोच हाई कोर्ट. वन कैन अप्रोच यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती है एंड जो पर्सन है पेटेंटी है जिसकी पेटेंट ऐसे एक्वायर कर ली गई है वो भी अप्रोच कर सकते हैं. इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू रिवोक पेटेंट विद सेक्शन नंबर 64 और 3B यानी कि पब्लिक जो हेल्थ है या पब्लिक ओरिएंटेड जो है पर्पस, अगर उस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती है रिवोक करने की कोशिश करती है हाई कोर्ट में सेक्शन नंबर 64 के हिसाब से, तो उस केस में सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी जब तक डिसीजन ना आ जाए तब तक. हाई कोर्ट में रिफरी द केस टू ऑफिशियल्स एंड गिव डिसीजन. हाई कोर्ट भी किसी थर्ड पर्सन को रेफरी के तौर पे बुला सकता है एंड फिर उसका डिसीजन दे सकता है अगर हाई कोर्ट कैपेबल नहीं है यानी हाई कोर्ट को ये टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आती है तो. If patentee is employee of the government, then decision by the central government. ऐसा भी हो सकता है ना कि central government का कोई employee है, उसने ही patent file करके रखी है, तो फिर वहाँ पर high court के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो person ही, यानी जो patentee है, वही central government का employee है, इसीलिए central government ही उसके साथ directly deal कर लेगी, उसको थोड़ा सा promotion दे देगी या कुछ भी ऐसा कर लेगी ताकि वो patent का use कर सके central government. तो ये सारी चीजें लिखी हुई थी सेक्शन नंबर 102 एंड 103 में. आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होगी. अब आप एक बार जैसे ही पढ़ेंगे इस बुक को तो 100% आपको और समझ में आ जाएगा चीजों को अच्छी तरीके से समझना. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.